वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सबसे पहले तो हम वेरी 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 सॉरी, मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था कि मैं एक हफ्ते के लिए ऑफ लेने वाली हूँ। आई एम गोना टेक अ ब्रेक एंड वर्क ऑन जोई का सारा काम। प्रोडक्ट लॉन्च बचा था मेरा, प्रोडक्ट शूट बचा था, लाइफ स्टाइल शूट बचा था, वेबसाइट डिजाइन बचा था। देर वॉज अ लॉट ऑफ वर्क पेंडिंग, सो आई वॉज लाइक लिसन लेट्स डू वन थिंग कि एक हफ्ता लेते हैं, लेट्स जस्ट वर्क ऑन इट। एंड बहुत टाइम से इसको जो मैं यू नो डिले करते जा रही हूँ, आई शुड वर्क ऑन इट एंड पुट इट आउट सो दैट इट्स फाइनली डन एंड डस्टेड। बट देन मैंने उस एक हफ्ते में अपने आप को इतना ज़्यादा ओवरवर्क कर लिया दैट आई एंड अप बीइंग सिक। इसीलिए आई थिंक आई वॉज लाइक गॉन फॉर ऑलमोस्ट 2.5 वीक्स एट दिस पॉइंट एंड आई एम नॉट गोना लाई, आई हेटेड इट सो मच। बट आई एम बैक एंड आई थिंक दैट रियली मैटर्स। ओके, लेट्स जस्ट अग्री ऑन दैट, दैट रियली मैटर्स। तो अब मैं वापस आ चुकी हूँ, मेरा ऐसा बहुत ही प्यारा सा चेहरा वापस आ चुका है। और नहीं भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो अगर वीडियो पसंद आएगी तो। एनीवे, टॉकिंग अबाउट टुडेज वीडियो, आज की वीडियो इज एक्चुअली गोना बी अ चैलेंज वीडियो। सो आई हैव सीन दिस चैलेंज अ लॉट ऑन यूट्यूब वेर इन पीपल टेक अप यू नो फिटनेस रिलेटेड चैलेंजेस एंड आई हैव सीन जंप रोप चैलेंज गोइंग ऑन क्वाइट अ लॉट। सो आई लाइक मेरा कार्डियो लेवल इतना अच्छा है नहीं, स्टैमिना इतना अच्छा है नहीं, सो वाई नॉट टेक अप दिस चैलेंज। वर्कआउट का वर्कआउट हो जाएगा, चैलेंज का चैलेंज हो जाएगा एंड एक वीडियो बन जाएगी। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाई आई टुक अप दिस चैलेंज। टॉकिंग अबाउट व्हाट द चैलेंज वाज, सो इनिशियली मैंने सोचा था कि मैं हर दिन यू नो एक दिन स्टार्ट करूंगी लेट्स से 1000 जंप रोप्स एंड देन आई विल इंक्रीज इट विद 200 एवरी सिंगल डे। बट देन आई रियलाइज कि भाई इतना स्टैमिना नहीं है, इतना भी ओवर अचीविंग की थॉट प्रोसेस मत रखो, थोड़ा सा मतलब लेट्स जस्ट अपने लेवल पे आ जाओ। सो आई डिसाइडेड कि आई विल बी टेकिंग अप अ 10-day जंप रोप चैलेंज इन विच आई विल बी जंपिंग 1000 times एवरी सिंगल डे। सो 1000 जंप रोप चैलेंज फॉर 10 days इज व्हाट आई टुक एंड दिस इज व्हाट द रिजल्ट लुक्स लाइक। लेट्स डाइव राइट इन। Hey everyone, it is the day one of the challenge. I actually woke up with this really weird swollen eye. Anyway, I'm just gonna go ahead and measure myself and then hum log start karenge with the skipping. I can easily do like 300-400 but 1000 is going to be a lot. So let's go. सो आई स्टार्टेड डे वन विद नॉट अ लॉट ऑफ वार्म अप, बट जंप रोप स्टार्ट करने से पहले मैंने थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर ली थी सो दैट बॉडी ज़्यादा सोर ना हो एंड देन इमिजिएटली आफ्टर दैट आई स्टार्टेड विद जंप रोपिंग। हाउएवर एक मिनट के अंदर अंदर मुझे समझ आ गया था कि भाई मुझसे नहीं होने वाला है, मैंने अपने आप को कुछ ज़्यादा ही 30 mark खास समझ के रखा है एंड यू नो बहुत ओवर एस्टिमेट कर लिया बिकॉज आई वॉज लाइक कि 200-400 तो आराम से हो ही जाते हैं तो 1000 डिफिकल्ट होगा बट इतना भी कोई चैलेंजिंग टास्क नहीं है, मतलब मैं कर लूँगी आराम से। बट एक मिनट के अंदर अंदर मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी थी, मुझसे एक बार में 50 जंप रोप्स भी नहीं हो रहे थे, माय काफ स्टार्टेड यू नो गेटिंग सोर एंड देन माय आर्म स्टार्टेड पेनिंग। हाउएवर थोड़ा स्ट्रगल कर कुरा के मैंने पूरे 1000 कंप्लीट कर लिए थे विद इन 20 minutes व्हिच इज लाइक अ डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम। ऑन डे टू आई वॉज सुपर पम्प्ड, मेनली बिकॉज उस दिन वेदर जो था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, लाइक इट वॉज विंडी एंड क्लाउडी एंड थोड़ा सा चिली भी था। एंड व्हेन आई वेंट टू द टेरेस my day was made because my neighbor's dog was taking a walk around the terrace and I love him so much and I spent some time with him 5-10 minute mein uske sath kheli and I forgot to do my stretches so straight away went ahead and started doing my skipping. However 5 minute baad mujhe realize hua ki maine stretches nahi kiye and why I realized that was because my sole was hurting so bad, like with every single jump I could feel the pain and literally it was so, like by the time I got to 500 it was so difficult for me to even jump but I did manage to pull through and maine thoda sa extra time liya day one se comparatively but I did manage to complete all the 1000 jumps. On day 3, I started the workout with a good 5-minute stretch to loosen up my body because मेरे calves, मेरे feet, मेरा sole, सब कुछ इतना ज़्यादा tough हो रखा था, it was so sore that I was having trouble even walking and literally पैर नीचे रखते ही I could feel the pain, it was so stiff. But after you know stretching out for like 5 minutes, I started jump roping. It was a little bit difficult, but I did manage to complete it. However, मेरे को day 2 से थोड़ा कम time लगा था and I was able to take a lot less breaks and the speed also improved which I'm really happy about. I did complete like pura 1000 steps within 15 minutes which is a good and decent amount of time and definitely I could see improvements happening already.
डे फोर स्टार्टेड विद मी लिटरली क्राइंग माई आईज आउट कि मुझे और नहीं करना है, मुझसे नहीं हो रहा है. बिकॉज जब मैं पेड से उतर रही थी और मेरे पैर जमीन पर रखे, आई कुड फील द पेन. लाइक लिटरली मेरे पैरों पे कुछ भी टच भी हो रहा था फीट पे, आई कुड फील द पेन. इट वॉज सो सोर, इट वॉज सो पेनफुल, एंड आई वॉज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप कि आई डोंट वॉन्ट टू कंटिन्यू, आई दिस इज नॉट हैपनिंग, आई जस्ट कॉन्ट डू इट. बट देन आई वॉन्टेड टू कम्प्लीट द चैलेंज एंड आई वॉन्टेड टू सी इफ दिस एनी ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली हैपनिंग और इज जस्ट अ होक्स अराउंड द इंटरनेट. सो आई जस्ट you know, sort of put on my workout clothes and I went out and I stretched for a good 10 minutes because agar main yahi stretching 10 minute ki stretching like entire lower body stretching agar main day 3 pe hi kar leti to shayad meri ye halat hi nahi hoti. So I spent a good 10 minutes on stretching my entire lower body, not just my feet and calves, and then I started with jump roping. I took almost the same amount of time jo maine day 1 pe liya tha, which is like 20-22 minutes, and maine normal se zyada breaks bhi liye because meri halat nahi thi workout karne ki. But I did manage to complete all the 1,000 jump ropes. Did struggle a lot through it, but mujhse ho gaye complete. And that's the thing about the human body, you can push it to extremes and it will still function. And I was literally so impressed and surprised myself that I could do it because I had zero hopes. On day 5, I actually worked out later in the evening because day 4 पे मेरी body के लिए बहुत ज़्यादा हो गया था and I wanted my body to get enough rest. Not like कि रात की नींद के बाद rest नहीं मिलता है, but my body is a lot more charged up in the evening as compared to in the morning because obviously खाना वाना खाया हुआ होता है तो body में energy comparatively ज़्यादा होती है. Now, once I started with working out, I obviously started with stretching out my body so that body is all relaxed and then eventually led to jump roping. Now, this was the day 5 was the day when I saw actual improvements. My body could take a lot more skips in one go as compared to any of the previous days. And साथ में I was taking a lot less breaks and even इतना frequently नहीं ले रही थी मैं breaks as compared to any of the previous days. So I could see a progress happening on this particular day. And just like that, we are finally halfway through. We are finally on day 6. And on day 6, actually, Mama also joined me while working out. So just to give her company, I started off with doing stretches. And uske baad thoda sa maine jogging kar liya tha. And then Mama and I had a deal ki jab tak main jump ropes karungi, she's supposed to be jogging. But you know how Mamas are, they never comply. And after jogging, one of her friends came. So she went ahead and, you know, she was talking to her for like 5-10 minutes ka break liya unhone. And in that time, one of my dogs from around the area, her name is Lucy, by the way, she's like क्यूटेस्ट डॉग एवर. शी केम एंड आई मेट विद हर, वो थोड़ा ग्रास में खेल रही थी एंड आई वॉज डूइंग माई जंप रोप्स. एंड ऑन डे 6, लिटरली आई एम नॉट इवन किडिंग, आई डिड अ लॉट मोर जंप रोप्स दैन 1,000. आई एम प्रीटी श्योर आई डिड लाइक 1,100 और 1,200 ऑफ देम. एंड आई डिड नॉट टेक अ लॉट ऑफ ब्रेक्स, लाइक आई थिंक आई टुक ओनली 2-3 मेजर ब्रेक्स. उसके अलावा जैसे रोप पैरों में अटक रही थी, दैट वॉज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. बट मैं एक बारी में 200-250 जंप्स आराम से कर पा रही थी. लाइक दैट वॉज अ मेजर थिंग फॉर मी, क्योंकि कहाँ डे 4 में मुझसे पैर पे कुछ टच भी नहीं किया जा रहा था, लाइक पैर भी नहीं रखा जा रहा था. एंड डे 6 पे आई वॉज एबल टू डू लाइक 200-250 स्किप्स एट वन गो. एंड दिस वॉज द नंबर बाय द वे दैट वी इनिशियली स्टार्टेड विद ऑन डे 1 कि हाँ 250 तो मुझसे आराम से एक बारी में हो जाएंगे तो मैं कर लूँगी. दिस वॉज द नंबर आई थॉट आई कुड बिगिन विद, बट फाइनली ऑन डे 6 आई कुड गेट टू दैट नंबर एंड आई फेल्ट सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ. On day 7, I was back with working out in the morning. वैसे सच बोला जाए तो afternoon बोले तो better है, because I went for the workout around 11:30 या 12 noon. And इससे एक दिन पहले मैंने बहुत ज़्यादा गाड़ी चला ली थी, like around 200-250 kilometers. तो मेरे पैरों में थोड़ा सा दर्द था and इसीलिए I did not want my body to be pressured that much. इसीलिए मैंने 1,000 jump rope से एक ऊपर नहीं किया. I was like, we'll stick to the count this day. And I was actually hoping कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करेगा workout करने का and मैं पूरे session में होंगी कि ये जल्दी खत्म हो जाए. बट टू माई सरप्राइज आई वॉज एक्चुअली इंजॉइंग द वर्कआउट, लाइक आई वॉज हैविंग सो मच फन. मेरे कान में अच्छे से गाने चल रहे थे एंड आई वॉज जम्पिंग एंड हैविंग फन. एंड आई थिंक स्टार्टिंग के 5 दिन में मुझे फॉर श्योर ये फीलिंग नहीं आई थी एंड आई वॉज लाइक रियली सरप्राइज कि दिस इज डिफरेंट, दिस फील्स नाइस एंड आई थिंक आई वुड लव टू स्टे लाइक दैट. And we are finally on day 8. To be very honest, मुझे बिल्कुल नहीं लगा था that I'll be able to make it till this particular day. I was of the thought कि हाँ 4-5-6 दिन maximum 7 दिन I'll be able to do it and उसके बाद या तो I'll get bored या फिर I'll get very tired and I'll drop the challenge and this video will never go up. But
here we are, very very surprising for me. But day 8 पे एक्चुअली मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा रिलैक्स थी, सो आई डिड नॉट काइंड ऑफ स्ट्रेच, विच इज़ वेरी स्टूपिड, क्योंकि वर्कआउट से पहले हमेशा स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, जिसका नतीजा हम देख चुके ऑलरेडी डे 3 एंड डे 4 पे, तो मुझे कर लेनी चाहिए थी. बट माई बॉडी वॉज काइंड ऑफ रिलैक्सड एंड थोड़ी वार्म्ड अप थी, सो आई डिड नॉट फील लाइक स्ट्रेचिंग, इसलिए आई जस्ट वेंट अहेड एंड स्टार्टेड डूइंग जंप रोप डायरेक्टली. एंड दिस वॉज ऑनेस्टली द शॉर्टेस्ट सेशन इन ऑल द 10 डेज. लाइक मैंने आई थिंक पूरा सेशन, like all the 1,000 jump ropes I completed within 10 minutes, and then I think I only took a maximum of 3 breaks or maximum 4 breaks, not more than that, which is so surprising. And I'm so proud of myself for seeing the, you know, progress. Jahan mujhse 50 nahi hote the, wahan I was able to do 300 315 in one go. The progress was insane and I was very proud of myself. It's almost the end of the challenge. It's the second last day. It's the day 9. And आज के दिन पर actually मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, because बहुत तेज़ धूप थी, बहुत चुभने वाली धूप थी. And as soon as I stepped out of the house, within 2 minutes I had a headache and I was almost on the verge of giving up कि अभी रहने देती हूँ, शाम को जब धूप चली जाएगी उस टाइम I'll work out. But then I pushed myself, क्योंकि I knew कि अगर मैं अभी नहीं वर्कआउट करूँगी तो शाम में तो मैं डेफिनेटली नहीं करने वाली हूँ. सो आई पुश्ड माई सेल्फ एंड आई मैनेज टू गेट द एंटायर वर्कआउट डन within 10 minutes. इस टाइम तक, लाइक बाय द टाइम इट वॉज डे 9, माई स्पीड वॉज सो मच बेटर. अगर मैं डे 1 से कंपेयर करूँ, आई वॉज 10x बेटर. स्पीड इतनी अच्छी हो चुकी थी, एंड इवन द फैक्ट दैट मेरे पैरों में रोप बार बार अटक भी नहीं रही थी, ब्रेक्स भी मैं कंपेरेटिवली कम ले रही थी. एंड एज डिफरेंट और एज वियर्ड इट मे साउंड, आई वॉज एक्चुअली होपिंग दैट दिस चैलेंज डजंट गेट ओवर, बिकॉज आई स्टार्टेड एन्जॉइंग माई वर्कआउट्स एंड आई वॉज लविंग इट. लास्ट डे, it is finally the last day. It's the day 10 and I am so happy. It's not like I want this challenge to get over, no, that's not what I'm saying, but I really want this video to go up, because I've never been able to do 10 days of cardio, like just cardio, in my life without any breaks. This is like huge for me. Maine kabhi 10 din tak regularly sirf cardio exercise nahi ki hai, and this is the first time ever, and I did manage to complete it, so it's a big thing for me. I'm proud of myself, so I want to see the difference if there is any, and I want to put this video out there, and that's why I'm very excited that it's the final day. And is din maine actually thoda jaldi workout kiya tha, like I worked out around 8:30 or 9 o'clock. Is time dhoop itni zyada nahi thi, because ek din pehle ki wajah se mere sar mein kafi zyada dard ho gaya tha, so I want to avoid that entire situation. Thoda jaldi workout kiya tha, and of course I finished the entire session within I think 8 to 10 minutes, and which is a great टाइम कंसिडरिंग कि मेरा प्रोग्रेस थोड़ा कंसिस्टेंट रहा है. तो 10 मिनट के अंदर मैंने सेशन कंप्लीट कर दिया था, एंड या दैट्स हाउ वी फिनिश द इंटायर चैलेंज. हाय, सो येस्टरडे वॉज बेसिकली द डे 10 ऑफ द चैलेंज. मैं आई एम नॉट इवन किडिंग, आई एम सो हैप्पी दैट आई वॉज एबल टू पुल थ्रू द इंटायर 10 डेज, बिकॉज हाफ वे डाउन आई वॉज लाइक कि यार नहीं हो पाएगा, मतलब लेट बी, छोड़ देती हूँ ऑल दैट. बट आई फाइनली मैनेज टू कम्प्लीट ऑल 10 डेज, विच इज़ अ बिग डील फॉर मी. एनी वे, कल मैं वापस आई थी एक्सरसाइज करने के बाद, एंड आई जस्ट एंड अप हैविंग आई थिंक माई ओट मील, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑफकोर्स आफ्टरवर्ड्स आई कुड नॉट मेजर माई वेस्ट, बिकॉज जब मैंने फर्स्ट टाइम मेजर किया था दैट वॉज ऑन एम्प्टी स्टमक विदाउट इवन वाटर. तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू डू. अभी मैं थोड़ी देर पहले उठी हूँ, आई हैव नॉट इवन हैड वाटर. तो आई एम जस्ट गोना गो अहेड and measure myself. Now, to be very honest, I'm not expecting a lot of results, okay? I'm being very honest, मेरे को बिल्कुल भी ऐसा expectation नहीं कि कुछ major difference आएगा on the inch tape. But to be very very honest, like 100% honest, my body is so much stronger now. मतलब मेरा stamina level is increased tremendously. जहाँ मैं day 3 और day 4 पर ऐसे हो रखी थी कि मुझसे बिल्कुल 500 भी नहीं हो रहे थे, वहाँ पर on certain days like I think 8th and 9th day pe I ended up doing 1500, just because like I was able to, matlab not that I realized, but by the time I realized I was almost close to 1500, so I was like let's just complete 1500. But meri body mein bahut change aaya in terms of stamina, in terms of strength, and of course in terms of my breathing. तो इंच टेप पे अगर डिफरेंस नहीं भी है ज़्यादा तो आई वुड नॉट माइंड दैट अ लॉट, बट लेट्स जस्ट गो अहेड एंड मेजर माई सेल्फ एंड वील सी इफ देयर इज एनी मेजर डिफरेंस. What the fuck?
When I started off, I was like almost 29.5 inches, and abhi I am like almost close to 28.5, like 28.5 se thoda sa zyada hai. I was not expecting this. Jab maine video start ki thi, I started off by saying good things. Because obviously, jab maine video start ki thi, I was like, yeah, of course, I'm not gonna see a lot of difference, but let's talk about the positive things that I've seen in my body, like the stamina change, like jo mere body ka इन जनरल प्रोसेसिंग पावर है. पहले मुझसे बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं होता था, लाइक कार्डियो नहीं होता था, बट नाउ आई एम एबल टू डू द कार्डियो. आई एम एबल टू डू कार्डियो फॉर लाइक 20 मिनट्स. लाइक आई एम इम्प्रूविंग माई स्पीड. आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दोज थिंग्स फर्स्ट, बिकॉज दोज आर थिंग्स दैट एक्चुअली मैटर, आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं. बट दिस आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग. ये हो गया है, लाइक कैसे हो गया, मतलब मैं समझ नहीं आ रहा. बिकॉज आई वॉज ओनली वर्किंग आउट फॉर लाइक 20 मिनट्स एट द मैक्स ऑन लाइक द वर्स्ट डेज एवर. आई वॉज वर्किंग आउट मैक्सिमम फॉर 20 मिनट्स, जिसमें मैं ब्रेक ले लेती थी. एंड उसके अंदर भी कितना यार, 1000 steps इज वॉट आई वॉज डूइंग एवरी सिंगल डे. 1000 skippings वॉज ऑल आई वॉज डूइंग एवरी सिंगल डे. एंड मैंने कोई मेजर चेंज भी नहीं किया था अपने डाइट में, बट दिस इज अ फकिंग क्रेजी ट्रांसफॉर्मेशन. आई वॉज सो नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टू हैपन, बट आई एम सो हैप्पी. आई जस्ट कांट एक्सप्लेन. बट या इट डेफिनेटली वर्क्स. एटलीस्ट इट डिड वर्क फॉर मी. नाउ आई विल मेंशन दैट मैंने अपनी डाइट में कोई चेंज नहीं किया था. द ओनली चेंज दैट आई डिड वॉज कि मैं पहले ब्रेकफास्ट नहीं करी थी. लाइक आई वॉज स्किपिंग ब्रेकफास्ट टू द लास्ट 1-1.5 months, बिकॉज आई यू ओनली यूज टू हैव लाइक डायरेक्टली लंच ले लेती थी, विच यूज टू बी अ लिटिल बिट हैवी. बट द ओनली चेंज आई डिड वॉज दैट आई वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट एवरी सिंगल डे, विच वॉज ओटमील विद प्रोटीन. दैट वॉज द ओनली चेंज दैट आई डिड. उसके अलावा मैं केक भी खा रही थी, मैं बाहर का खाना भी खा रही थी वंस इन अ वाइल एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. सो नो मेजर चेंजेस अपार्ट फ्रॉम दैट, बट इट डज वर्क. एंड मतलब क्या, आई मीन मैक्सिमम 20 मिनट्स, 1000 skippings एवरी सिंगल डे, इट्स नॉट अ लॉट ऑफ टाइम. इट्स नॉट अ लॉट ऑफ आई एम नॉट गोना से इट्स नॉट अ लॉट ऑफ वर्क. इट इज अ लॉट ऑफ वर्क, बट I was not expecting this, and I don't know, I'm just not able to put it out how I feel, but definitely give it a try. Alrighty guys, that was it for this video. I really hope that you guys enjoyed, and honestly it did work out for me. मतलब मेरे को बिल्कुल भी ऐसे hopes नहीं थे कि कुछ होने वाला है इससे, but it did work out for me, which is obviously a yay. Am I going to continue it? For sure, yes, but not like every single day. But I'm gonna include this, let's say 2 or 3 times a week, because I like weightlifting a lot more. So I'm gonna focus on that only. But this definitely does work. If you're a cardio person and if you love doing cardio, then definitely include this, because it did work out for me, and I'm hoping that it will work out for you. And that is about it for this video. I really hope that you liked it. In case you did, subscribe, like, comment, share, sab kar dena. I'm gonna go.